लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये गुलाब किस लिए? मैं चाहता हूँ कि तू इसका गुलकंद बनाए। What? एक लड़का एक लड़की को फूल क्यों देती है? Because I love you, Ria. I don't believe you. Hey, क्यों? Hello. Hey, Ria. Why don't you believe me? क्योंकि तुम NRI हो, non reliable Indian. Right? Huh? What? Hey, तो okay. तो तुम्हें prove करने के लिए मुझे क्या करनी होगी? Test देनी होगी. Test? मैं पूरा semester देने को तैयार हूँ. Sure. Sure. तो फिर चलो मेरे साथ. हाँ, चलो. Oh man, Ria. ये कहाँ ले आया तू मुझे? हाँ? ये क्या है? लव मॉन्स्टर। हाँ? लोग इसके मुंह में अपना हाथ डालते हैं और अगर उनका प्यार सच्चा ना हो तो क्या होती है? तो हाथ फंस जाता है और कट जाता है। हाथ कट जाती है? यस। चलो अपना हाथ डालो। लेडीज फर्स्ट। मैं? हाँ हाँ, तुम्हारा भी टेस्ट, लेडीज फर्स्ट। ओके। मैं मन को सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। अब तुम्हारी बारी। या कम ऑन। या 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 चलो। या 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 मैं रिया को सच्चे दिल से मेरी प्यार भी सच ही है रिया। यू रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आई एम जस्ट जोकिंग, रिलैक्स, जस्ट जोकिंग। मनु इंटरनेशनल कैंपेन के लिए एक हफ्ता रखा है ना? या वो मिडिल ऑफ नेक्स्ट मंथ में वो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे नीलिमा जी आइए ना। वैसे आप अच्छी। नमस्ते भारती जी। आप जो हमारी ममता फाउंडेशन को डोनेशन देती हैं उसकी वजह से बहुत से बच्चों को एजुकेशन मिल रही है और बहुत सी बेरोजगार औरतों को भी काम मिल रहा है, इसलिए हम अपनी तरफ से आपको ये तोहफा देना चाहते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। नमस्कार। वाओ नानी, दिस इज ब्यूटीफुल, इट्स रियली नाइस, इजंट इट? क्या हो नानी? मन, मुझे खोई हुई भारती तो मिल गई, लेकिन साथ रहकर भी जो खो गया है वो परिवार। मिलेगा चुन्नी, जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा और अपने परिवार वालों को सबक सिखाना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड टफ लव, टफ लव। He's right, नानी, he's right. तुझे मदर मैरी से माँ दुर्गा बननी पड़ेगी। माँ दुर्गा। पता था ये शहर का भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हे सरप्राइज मामू, कैसी है? कुछ नहीं, मूड खराब है मेरा। हाँ, क्या हुई? लोगों का फायदा करवाता हूँ, खुद इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। इतने कमाल की टिप मिली है मन मुझे कि अगर मुझे बड़ा लोन मिल जाए ना तो रातों रात करोड़पति बन जाऊं। अरे अगर लोन चाहिए तो अपने मॉम से मांग ले। मॉम देगी लोन? अरे तेरा मॉम शहर का सारा गरीबों का हेल्प करता है, तो क्या अपने घर की एक भिखारी की हेल्प नहीं करेगी? करे। What? अपने घर की एक गरीब की हेल्प नहीं करेगी? अपने बैठे की? करेगी। Mom's emotional fool. You're right. Good evening, Mom. आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अच्छा, हाँ बैठो बेटा। अरे बोलो बेटा। हाँ।
मॉम आटा गूंदो। आटा नहीं, लात मारूं? लात क्या हो गया उसको? नहीं हम हाँ मॉम आप थक गई होंगी, आपके पैर दबा दूं? क्या तुम मेरे पैर दबाएगा? क्यों, एक बेटा अपनी माँ के पैर नहीं दबा सकता? वाह मामू वाह, तू ये कलयुग की रावण। What? चावन, कलयुग की शावण। नानी बहुत खुश है मामू, मांग ले तुझे जो मांगनी है मांग ले। अच्छा बस बेटा। हाँ मॉम, मुझे ना शेयर मार्केट से एक अच्छी सी टिप मिली है, इन्वेस्ट करूंगा ना तो 10 गुना रिटर्न मिलेगा। अच्छा हाँ। तुझे कितने पैसे चाहिए बेटा? ज्यादा नहीं मॉम, बस 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ। चलो दिए। okay. लेकिन इसका क्या गारंटी कि तू हमको ये पैसे लौटा देगा? मॉम मैं अपने खून से लिख के देने के लिए तैयार हूँ। नहीं डोंट वरी मामू, खून तो हम बाद में चूस लेंगे। फिलहाल तो सिर्फ तू स्याही से लिख करके दे दे कि 15 दिन के अंदर अंदर तू ये पैसे हमको लौटा दे। राइट डियर मामू। चलो ये एग्रीमेंट पे साइन कर दे। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। और पोस्ट डेटेड चेक? हाँ मैं अपने साथ लेकर आया हूँ ना मॉम, ये लीजिए। थैंक यू मॉम, थैंक यू। नानी तेरी तीर एकदम निशाने पर लगी है। डूब गया सुकेतु, तू डूब गया, बिना टाइटैनिक में बैठे डूब गया। मॉम आप यहाँ? आना ही पड़ा बेटा, ये क्या है? चेक है। हाँ चेक है जो बाउंस हो गया है। अच्छा मेरे पैसे कहाँ हैं सुकेतु? अब वो अच्छी टिप लेकर इन्वेस्ट किए थे पर टिप भी तुम्हारी तरफ फ्लॉप हो गई है ना? मॉम लौटा दूंगा ना पैसे। और अगर नहीं लौटाए तो क्या करोगी? केस करोगी मुझ पे? जेल भिजवाओगी? Not a bad idea. Huh? Man, जरा पुलिस स्टेशन फोन लगाना बेटा। Already लगा दिया नानी। That's my boy. What? Mom, you can't do this to me. I just did. I know. Hello, LC Road Police Station. जी एक क्रिमिनल है। जी उसका नाम मामू है। Sorry, सुकेतु मामू। No, let me. एक मिनट वो बात करेंगे। हाँ, hello, no, this is. Sorry, I thought वो बात करेंगे। तो कहाँ पहुँचे? आप गाड़ी भेजेंगे, हम गाड़ी लेके आए? Mom, please, please मुझे जेल में मत डालिए, Mom, please. Hey, पर मामू, ये तो तेरी आइडिया थी ना? चलिए इंस्पेक्टर साहब कंप्लेन लिखवाइए। मम्मी जी, मम्मी जी आप अपने ही बेटे के खिलाफ कंप्लेन कर रही हैं, शर्म नहीं आती? ये लो राखी सावंत शर्मिला टैगोर को शर्म के पाठ पढ़ा रही है। शट अप, आप सुकेतु की माँ हैं, उसके बुरे वक्त में मेरी तरह आपको भी उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। ओह बोलिए गुप्ता जी, कहिए ना। सच मैं नहीं मानती, मैं अभी आती हूँ। आस्था तुम कहाँ जा रही हो? सुकेतु गुप्ता जी का फोन है, SRK के ऑपोजिट मुझे हीरोइन का रोल मिल गया है, अभी लुकने से मुझे जाना पड़ेगा। हाँ है मामी, पर तू तो अभी बोला बुरे वक्त में तू मामा के साथ खड़ा रहेगा। अरे अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो फिल्म निकल जाएगी। हाँ गुप्ता जी मैं निकल गई हूँ, मैं टैक्सी में हूँ, मैं बस आ गई गुप्ता जी। आस्था मम्मी जी प्लीज हैंडल हिम। आस्था आस्था आ भारती, ये क्या लगा रखा है तुमने? सुकेतु को ट्रेन में डलवा दिया, क्या कसूर है इस बेचारे का? इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे जो अभी तक लौटाए नहीं। तो माँ होकर बेटे को जेल में डालोगी? अरे मदर इंडिया में तो माँ ने अपने बेटे को गोली मार दी थी, मैंने तो सिर्फ इसे जेल में डाला है। ओह शट अप, कितने पैसे उधार लिए थे इसने? मैं अभी चेक लेकर तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। हाँ लिख ना लू, लिख 1 करोड़ का चेक लिख और मार हमारे मुंह पे। 1 करोड़? क्या ओनली 1 करोड़? हरामखोर तूने 1 करोड़ रुपए फूंक डाले। 25-50 हजार होते तो तुझे छुड़ा भी लेता इडियट। हे नानू तेरी इज्जत सिर्फ 25-50 हजार की है? ओह शट अप, जस्ट आस्किंग। भारती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सक्सेस तुम्हारे सर चढ़कर बोल रही है। अरे ये खून है अपना। अपना खून है तो क्या जिंदगी भर हमारा खून पीते रहेंगे ये लोग? जो गलती करेगा वो भुगतेगा, और अगर इसने गलती की है तो भुगतने दीजिए ना इसे,
और वैसे भी आपका क्लब जाने का वक्त हो गया ना, आप जाइए ऐश कीजिए या तो फिर कैश दीजिए। पापा पापा ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। चले भैया क्या आंखें फाड़ के देख रहा है? ये जेल है, तेरी माँ का घर नहीं कि मक्खन वाले पराठे आएंगे, चुपचाप खा ले, समझा क्या? सुकेत तू भी एक क्या कर रही हो मॉम? इरिटेट मत करो, तुम्हें पता है ना कि मक्खन वाले पराठे मैं नहीं खाता, मेरे लिए सूप और सैलेड लेकर आओ। चल बाहर निकल, तेरी माँ ने कंप्लेंट वापस ले ली है। अभी भी सोच रहे नानी, इस चीटर को छुड़वानी है तुझे? मन मैंने इसे 9 महीने अपने कोख में रखा, अपना खून देकर सींचा है मैंने इसे, अगर इसने इस बात का भी सिला नहीं दिया और मेरे साथ चीटिंग की तो ये 1 करोड़ का धोखा तो बहुत मामूली सी बात है बेटा। छुड़वा दे उसे। मां तुम ठीक कहती थी, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, तू जेल में रहेगा तो ये तेरी सजा नहीं, मेरी सजा होगी। मां साहब आ गए? हाँ आ गए मैम, शॉट भी रेडी है, चलिए। हाँ हाँ चलो चलो। शूटिंग के पहले दिन ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। नानी, मामी भी इधर है। अरे मामी तू भी यहाँ शूटिंग कर रहा है? नानी का भी यहाँ ऐड का शूट है। पर मेरा तो फिल्म का शूट है, मैं छोटे मोटे ऐड फिल्म्स नहीं करती। ऑल द वेरी बेस्ट बहू। थैंक यू मम्मी जी। यू आर मोर देन वेलकम। प्लीज डू नॉट मेंशन मम्मी जी। अब मैं भी स्टार बन जाऊंगी, स्टार। मेरा शॉट रेडी है, प्लीज एक्सक्यूज मी। स्टार बन जाऊंगी, स्टार। चुप। स्टार। बदमाश। अबे वो गधे। यस सर। हिरन को शॉट समझा दिया? हाँ सर समझा दिया। डायरेक्टर साहब मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, आप सीन करिए ना। वैसे भी मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ। वन टेक आर्टिस्ट है? चबा या खान साहब को बुला। यस सर। इडियट। टेक। खान साहब, शाहरुख खान साहब, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, वो आकर कहेंगे अपनी आंखें खोलो किरण। ओह माय गॉड, वो आ गए। अपनी आंखें खोलो किरण। क्या हुआ? ये कौन है? PRK तुरंत खान, अपने फिल्म का हीरो। चीटिंग है, मुझे कहा गया था इस फिल्म का हीरो SRK है, पर ये तो डुप्लीकेट है,
मैडम बॉलीवुड में हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ओरिजिनल एसआरके के साथ फिल्म बनाने का सपना लेकर आता है और डुप्लीकेट पे सेटल हो जाता है। पर मुझे तो कहा गया था ओरिजिनल एसआरके है, फिर मैं डुप्लीकेट के साथ कैसे करूं? अरे कहा तो मुझे भी गया था कि इस फिल्म की हीरोइन कैटरीना और करीना होगी, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रहा हूँ ना, अगर तुझे काम करना है तो चल निकल यहाँ से निकल। आप तो नाराज हो गए मिस्टर डुप्लीकेट। आई मीन तुर्रम खान जी, मैं भी एडजस्ट कर लूंगी। हरी मिर्च प्रोडक्शंस, सिंदूर या कलंक, सीन वन शॉट वन टेक वन एक्शन। एक चुटकी की कीमत आप क्या जानो कमल बाबू। करेक्ट। सिंदूर का है सर? यहाँ है वो, दिख रहा है। डायलॉग वाला का है? सॉरी भूल गई सर। चलो वन मोर टेक टू एक्शन। एक सिंदूर की कीमत आप क्या जानो कमल बाबू। सिंदूर तो आ गया, चुटकी कहाँ गई? चुटकी सर पिछले टेक में बोला था ना चुटकी, तो इस टेक में कौन बोल गया? मेरा बाप। सर आपके बाप क्यों बोलेंगे, मैं ही बोल देती हूँ। तो बोलो ना मनमोर। मनमोर टेक इट एक्शन। एक चुटकी, एक सिंदूर, एक चुटकी, एक सिंदूर की एक कीमत। अरे एक छापड़, एक घुसा, एक लात से कोई तो मारो यार। सॉरी सर एक और। एक 18 एक मटकी सिंदूर की कीमत। अरे मटकी नहीं रे, चुटकी चुटकी। टेक 22 मटकी एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो गुलाब बाबू। ये गुलाब कहाँ से है यार? ये गुलाब कहाँ से है? गुलाब बाबू नहीं है, कमल बाबू है। कमल बाबू लोटस लोटस झट साला। टेक 35 एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो लोटस बाबू। लोटस नहीं है मेरी माँ, कमल बाबू है। कमल बाबू। अरे लोटस नहीं, क्या है? कमल बाबू। टेक 49 एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो कमल साबू। साबू अरे सब बना दिया इसने मुझे, सब बना दिया। अरे ये तो बिना साबू मेरे करियर को धो डालने वाली है। सर सर वन लास्ट टेक सर। टेक 64 एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो, आप क्या जानो माउंट आबू। अरे इस जप्पर को कौन आया? 4 घंटे से एक डायलॉग नहीं बोल पा रही है। तेरे बाप ने कभी एक्टिंग की है? किया है कभी? अरे इसे उठा के बाहर फेंको, फेंको इसे बाहर। बस कीजिए भारती मैम। ये कोई तरीका है एक औरत से बात करने का? मैडम क्या बताओ, 4 घंटे से बजा रही है दिमाग का घंटा। आप पैकअप मत कीजिए, हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए। वो वापस आकर शॉट देगी और अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो आज की शूटिंग का खर्चा मैं दूंगी। बहू मेरी तरफ देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यू कैन डू दिस बेटा। क्या मम्मी जी मुझसे नहीं होगा, इतना ह्यूमिलिएशन, इतना अपमान सहने के बाद मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। मामी तुम इतनी सी ह्यूमिलिएशन के बाद एक्टिंग नहीं कर सकते? और नानी तो तुम लोगों का बरसों से ह्यूमिलिएशन सहने के बाद भी तुम लोगों के लिए सब कुछ करता रहा है, जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम सबसे बे इंतहा प्यार करता है। बहू तुम अपने काम से प्यार करो, फिर देखो काम कैसे तुमसे प्यार करता है। मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा।
डायरेक्टर साहब अब ये शॉट देने के लिए तैयार है, जा बहु। टेक 65। एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो कमल बाबू, आपने तो हमेशा औरतों को अपने पैर की जूती समझा है। आप जाओ अपने उस गुनाहों की दुनिया में, पर मैं अपने बच्चों पर आपका साया तक पड़ने नहीं दूंगी। मैं उन्हें खुद पाल पोस कर बड़ा करूंगी। आप चले जाओ कमल बाबू, चले जाओ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। क्या कर रहे हो? अरे आप तो बहुत बड़ी कलाकार हो, आपकी कदम में मुझे थोड़ी दे रहे दो। क्या बात, अरे कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। लड़की में कुछ बात है, हीरोइन बनेगी। अरे यार पता है, चल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।